जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के गौ नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड अंडर 19 टीम के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, उससे पहले कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल जीत लिया। आप सभी इस मैच की वीडियो देखने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 विश्व कप मुकाबला भारतीय टीम जीते, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी, जहां पर पहले ही अफगानिस्तान को हराने के बाद इंग्लैंड की टीम ने फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया। तो ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 टीम के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये फाइनल मुकाबला बेहद ही रोमांचक, जहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी कोशिश करती हुई दिखाई देगी कि वो किसी भी हाल में इस मुकाबले को जीते। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय अंडर 19 टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी ही आसानी से ये अंडर 19 विश्व कप का सेमीफाइनल मैच जीत लेगी, लेकिन भारतीय अंडर 19 टीम ने ऐसा होने नहीं दिया। और हम आपको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने एक दिन रहते हुए ही खूब जमकर अभ्यास भी किया था, जहां पर भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी जमकर पसीना बहाता हुआ बीच मैदान पर दिखाई दिया था। और ऐसे में दोस्तों, अब फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में कल यानी कि 5 फरवरी को खेला जाएगा। और ऐसे में अब 5 फरवरी को खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय अंडर 19 टीम के बल्लेबाजों ने आज भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज एक अभ्यास मैच भारतीय टीम का खेला गया, जहां पर इस अभ्यास मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर हर किसी को बहुचक्का कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, आज भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए इस इंटर स्क्वाड मुकाबले में उतरे हरनूर सिंह और अंगकृष रघुवंशी, जहां पर हरनूर सिंह ने आज के इस मुकाबले में 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और एक बार वो फिर से फॉर्म को हासिल करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ अंगकृष रघुवंशी भी कहीं किसी से पीछे रहने वाले थे। जी हां दोस्तों, अंगकृष रघुवंशी ने आज के इस मुकाबले में 42 रन बनाए, और वहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर हर किसी को बता दिया कि आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ ये खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर दिखाएंगे। हालांकि इन दोनों ही बल्लेबाजों का भारतीय टीम की तरफ से बल्ला चलता हुआ हम सभी को दिखाई दिया, लेकिन अब उम्मीद ये होगी कि अब ये दोनों ही खिलाड़ी वापसी करेंगे। हालांकि दोस्तों, बात करें अगर अगले खिलाड़ियों की, तो अगले खिलाड़ी फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे यश डूल, जहां पर यश डूल ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 98 रनों की पारी खेली, और अपनी इस 98 रनों की पारी में उन्होंने 5 चौके और 6 बड़े छक्के भी लगाए। तो वहीं दोस्तों, हरनूर सिंह, अंगकृष रघुवंशी और यश डूल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद फिर मैदान पर उतरे राजवर्धन हांगरेकर, जहां पर राजवर्धन हांगरेकर इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी लय में दिखाई दी, और उन्होंने 51 रनों की पारी खेली। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बता दिया कि वो जो टॉप 4 में बल्लेबाजों को उतारेंगे, वो किस तरह की लय में हम सभी को चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये मुकाबला इंटर स्क्वाड मैच भारतीय टीम फाइनल मैच से पहले एक दिन नहीं खेल सकती, लेकिन अंतिम समय पर बीसीसीआई की अनुमति के बाद भारतीय टीम ने यह फैसला लिया। हालांकि दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप के अब फाइनल मैच में भारतीय टीम पर हर किसी की निगाहें होंगी, और ऐसे में अब आपकी क्या राय है भारतीय अंडर 19 टीम के बारे में, और आपको क्या लगता है, क्या भारतीय अंडर 19 टीम का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।